good morning students welcome to social science class students we are doing chapter 1 the planet earth and the solar system in this we have discussed about the heavenly bodies universe galaxies stars constellations solar system and the sun Right? The planets also. What are planets? Planets are the heavenly bodies which receive light and heat from the sun. Remember? Revise with me. Planets are the heavenly bodies which receive light and heat from the sun. Very good. They don't have their own light. How many planets are there? There are eight planets. Very good. Okay. So, what are the names of these eight planets? These are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Okay. Okay. Now just tell me on which planet we live. Do you know where we live? We live on the earth. Very good. And earth is a planet. It is our home planet. Earth Hamari hai. We live on Earth. Right? Or Earth Hamara home planet hai. Clear?

अर्थ ऑन विच वी लिव इज प्लेस्ड एट थर्ड पोजिशन इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजिशन ऑफ सन जैसे आप एक लाइन में खड़े होते हैं तो अर्थ कहाँ पर है इज दिस अ सन इफ इट इज अ सन देन अर्थ इज ऑन द थर्ड पोजिशन क्लियर Look at this picture. Here is the sun. First position, Mercury. Second, Venus, and Earth is on third position. Right? Earth, which si position is It is on the third number, third position. Par. Okay. It is our home planet. That is Earth. एंड इट इज ऑन द थर्ड पोजिशन वेरी गुड इट रैंक्स फिफ्थ इन साइज अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये कौन से प्लेस पर आती है फिफ्थ नंबर पे यानी कि इससे बड़े फोर प्लैनेट्स हैं ओके देर आर फोर बिगर प्लैनेट्स. ठीक एंड अर्थ की कौन सी साइज है फिफ्थ नंबर पर अर्थ का साइज आता है इससे फोर बिग प्लैनेट्स हैं एंड अर्थ रैंक इज फिफ्थ इन साइज ओके अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इन अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स अर्थ अपने एक्सेस पर ही मूव करती है ओके एंड इट टेक्स ट्वेंटी फोर आवर्स इट मीन्स वन डे अर्थ मूव्स और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस ओके तो अर्थ जब अपने एक्सेस पे ही मूव करती है तो वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है एंड इट टेक्स ट्वेंटी फोर आवर्स टू कंप्लीट अ रोटेशन ओके एंड इट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इन थ्री सिक्सटी फाइव डेज एंड सिक्स आवर्स विच मेक्स वन ईयर अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है मूव करती है और उसमें कितना टाइम लगाती है थ्री सिक्सटी फाइव डेज

इट वॉज बिलीव दैट अर्थ इज अ फ्लैट बॉडी अर्थ ऐसे फ्लैट है जस्ट लाइक अस्केर और रेक्टेंगल ऐसा अर्थ की शेप है ओके बट इट वॉज आर्यभ हुयर दैट अर्थ इज सफेरिकल इन शेप एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका क्या नेम था आर्यभट्ट उन्होंने बताया कि अर्थ सफेरिकल है It is round in shape. Okay, and now the photographs of the Earth taken from the space confirm its spherical shape. अब जब हम अर्थ की पिक्च देखते हैं जो हमें सैटेलाइट्स भेजती है स्पेस से तो उससे भी ये कन्फर्म हो गया है ये डिक्लेयर हो गया है कि जो अर्थ है वो सफेरिकल शेप की है राउंड शेप की है द अर्थ ब्लज इज स्लाइटली एट द इक्वेटर एंड फ्लैट एट द पोल्स अर्थ जो है वो इक्वेटर पर वाइड है एक जिसे हेल्दी बच्चा होता है बहुत गोलूसा ठीक है तो द अर्थ ब्लज इज स्लाइटली एट इक्वेटर इक्वेटर के पास जो अर्थ है वो थोड़ी सी फैट टाइप है ब्लज है और पोल्स पर यह फ्लैट है ओके सो लेट्स डिस्कस द कंडीशंस विच सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ अर्थ पर लाइफ कैसे पॉसिबल हुई वी ऑल लिव ऑन द अर्थ और ये कैसे पॉसिबल है कि अर्थ पर लाइफ है और बाकी किसी प्लैनेट पर लाइफ नहीं है सो लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स फर्स्ट इज अर्थ रिसीव मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन अर्थ जो है वो सन से लाइट और हीट रिसीव करती है एंड इट रिसीव मॉडरेट लाइट एंड हीट जितनी इसको लाइट और हीट चाहिए जो लाइफ के लिए नेसेसरी है उतनी लाइट और हीट ही इसे रिसीव करती है दिस मच क्वान्टिटी ऑफ हीट एंड लाइट इज जस्ट सफिशेंट टू इवॉल्व एंड सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस अदर प्लान आर इधर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड ये जितनी भी क्वांटिटी इसको मिल रही है हीट और लाइट की इट इज सफिशियंट फॉर द लाइफ यहाँ पर प्ला, प्लांट्स ग्रो होने के लिए एनिमल्स की लाइफ के लिए और ह्यूमन बींग्स की लाइफ के लिए हीट और लाइट सफिशेंट है बट ऑन अदर प्लानट्स या तो वह बहुत ज़्यादा हॉट हैं या बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं वी कांट लिव इन अ वेरी हॉट क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो भी हम नहीं रह सकते और इफ़ देर इज वेरी मच कोल्ड देन ऑल्सो वी कांट लिव हम तब भी नहीं रह सकते अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो ओके सो अर्थ रिसीव मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ओके नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड अबाउट टू थर्ड एरिया इज कवर्ड विद वॉटर एंड वॉटर इज असेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स नो लाइफ कैन एग्जिस्ट विदाउट वॉटर कैन वी लिव विदाउट वाटर नो वी कांट ओके एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव एनिमल्स को भी वाटर चाहिए है ना बिना वाटर के तो हम लिव ही नहीं कर सकते लाइफ ही पॉसिबल नहीं है अगर हम प्लांट्स को वाटरिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है प्लांट्स कैन डाई ठीक है तो वॉटर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग एनिमल्स एंड

राइट नाउ द थर्ड पॉइंट अर्थ हैज एन एनवेलप ऑफ एयर अराउंड इट अर्थ के ऊपर एक एयर का एनवेलप है एनवेलप क्या होता है एनवेलप मींस कवर ओके अर्थ हैज एन एनवेलप ऑफ एयर अराउंड इट एंड इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर अर्थ के जो आसपास एयर का एक कवर है एक एनवेलप है उसे हम क्या कॉल करते हैं एटमॉस्फेयर एंड दिस एटमॉस्फेयर कंटेन गैसेस वॉटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स विच हेल्प इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन द प्लैनेट ओके वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड राइट हम गैसेस को इन करते हैं जिसमें कौन सी गैस है इज़ ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन गैस को ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट ओके सो एयर इज इम्पोर्टेंट एटमोसफेयर कंटेन गैसेस जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन दीज आर द गैसेस और ये गैसेस कहां पर है इन एटमोसफेयर वाटर वेपर्स भी एटमोसफेयर में हैं एंड ऑल दीज थिंग्स हेल्प इन सपोर्टिंग लाइफ और लाइफ के लिए एयर इज़ वेरी मच नेसेसरी अगर हम ब्रीद नहीं करेंगे तो वी कैन डाई ठीक है तो लाइफ के लिए एयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अर्थ एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इनकमिंग मिट्रॉयड्स जो मिट्रॉइड्स हैं वो अर्थ पर डायरेक्ट ना आए तो उसके लिए भी एटमॉस्फेयर हमें मेट्रॉयड से प्रोटेक्ट करता है ओके सो दिस इज अबाउट आर अर्थ दैट अर्थ इज द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन सन से इसकी प्लेस कहाँ सी है कौन सी प्लेस है इट इज इट इज ऑन द थर्ड प्लेस ओके एंड इसका साइज क्या है इट रैंक्स फिफ्थ इन साइज साइज के मामले में ये फिफ्थ नंबर पर है ओके एंड इट कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये अपने ही एक्सेस पर जब रोटेट कर रही है तो ये वे वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करेगी एंड इट टेक्स ट्वेंटी फोर आवर्स ओके एंड जब ये सन के आसपास मूव करती है देन इट टेक्स थ्री सिक्सटी फाइव डेज And 6 hours that makes a year. Okay. And who told us that earth is spherical in shape? Aryabhat. Very good. Okay. And the three conditions that makes life possible on earth. First is it receive moderate heat and light from the sun. सेकेंड इट हैज़ वॉटर ऑन इट एंड थर्ड इट हैज एन एनवेलप ऑफ एयर अराउंड इट विच कंटेन गैसेस वॉटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स ओके सो दिस इज अबाउट अर्थ ठीक है तो यू हैव टू रीड अबाउट अर्थ फ्रॉम योर बुक ओके सो दैट ये आपको क्लियर हो जाए प्रॉपरली ओके okay? So that's it for today. Thank you and have a nice day.